नमस्कार दोस्तों, लव मंत्रा उपाय YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, यदि कर लिया आपने ये वशीकरण उपाय तो कर लेंगे आप इन तीन स्त्रियों को अपने वश में। जी हां मित्रों, इस वशीकरण के प्रयोग को करने के बाद आप इन तीन महिलाओं को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। वे तीन महिलाएं हैं, सास, पत्नी और प्रेमिका। यदि आप इन तीनों महिलाओं में से किसी को अपने वश में करना चाहते हो तो आप आसानी से इस प्रयोग से कर सकते हैं। जी हमें काफी चमत्कारी व प्रचंड वशीकरण उपाय है और बहुत से कहने पर ये आजकल सबसे ज्यादा जो परेशानी चल रही है सामाजिक जीवन की और मानवता की, वह यही है कि कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई अपनी प्रेमिका से और कोई अपनी सास से। यदि इस कार्य को व्यक्ति भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है, इन तीनों स्त्रियों के बारे में आज मैं वशीकरण एकत्रित करके बताने जा रहा हूं, क्योंकि पहले मैंने जो वीडियो बनाए वो एक एक करके बनाए, कई लोगों को विधि समझ में नहीं आती। तो मित्रों, मैंने कई बार आपको ये बात कही है कि जब भी आप वशीकरण विधि करें तो सबसे पहले आपका आंतरिक मन शुद्ध होना चाहिए। आप बाहर से शारीरिक शुद्ध होने के बावजूद आंतरिक रूप से भी आप शुद्ध होंगे, आप प्रसन्न होने चाहिए, अंदर से खुश होने चाहिए। जो बंदा परेशान होकर, दुखी होकर, डरकर किसी कार्य को करेगा ना, वह कभी भी वशीकरण में सफल नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है, मैंने कितनी बार कहा है, जब भी आप इस कार्य को करें तो अंदर से खुश रहें, सकारात्मक सोच रखें, विचारों को शुद्ध करें। यदि आपके विचार ही शुद्ध नहीं है तो आप कैसे इस कार्य में सफल होंगे। बहुत ही सरल विधि है। विधि बताने से पहले मैं कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे लव मंत्रा उपाय YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके वे मंत्र बता पाएं। तो चलिए मित्रों, इस कार्य को शुरू करते हैं। इस विधि को आप उन जिस भी इन तीनों में से, स्त्री में से पत्नी, प्रेमिका और सास, इन तीनों में से जिस किसी को भी आप परेशान है, जिस किसी से भी आप परेशान है, तो आप क्या करना है मित्रों, पहले तो ये बताऊंगा कि परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती। सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। दुनिया के मानव जीवन ही एक ऐसा परेशानियों का रूप माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति परेशान होते हुए इनका हल, उनको पता होते हुए हल नहीं करते, तो वह और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ज्यादा उनका नुकसान होता है और वह अकेले रह जाते हैं। परेशानियां यहां तक कि मेरे जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती रहती है, लेकिन मैं उसे शास्त्र विद्या द्वारा व पूजा पाठ द्वारा इन चीजों को कम या टाल देता हूं। तो आप शास्त्र विद्या द्वारा और मंत्रों के प्रयोग द्वारा, वशीकरण द्वारा आप इन परेशानियों को से निपटारा पा सकते हैं यदि आप चाहें। इंसान क्या नहीं कर सकता, असंभव कार्य को भी संभव आसानी से कर सकता है और असंभव कार्य को संभव बनाना ही वशीकरण का, वशीकरण विद्या का काम है। इसीलिए लोग इन प्रयोगों को करते हैं, इन विधियों को करते हैं। झूठ कभी भी कोई विधि नहीं होती। यदि आपको ये झूठ लगता तो आप अजमा के ने मात्र से नहीं कीजिए। यदि वास्तव में आप परेशान है तो आप एक बार इस विधि को करके देखिए, वास्तव में आप सफल होंगे, मैं इस बात का दावा करता हूं आपके सामने। आपको क्या करना है, जिस स्त्री को आप वश में करना चाहते हैं उस पर थोड़ी नजर रखनी होगी आपको। नजर यूं की मैं आपको बता दूं, नजर इस प्रकार रखनी होगी कि उसके जो दाया पैर है, जब भी वे घर से बाहर निकलती तो उसका दाया पैर की तरफ ध्यान रखें, जो उसका दायना पैर होता है, दाया पैर पर आपको ध्यान रखें। तो आपको उसके दाए पैर की चाहिए मिट्टी, जैसा कि मिट्टी ऐसा तो है नहीं आप काफी सारी एक मुट्ठी भर के उठा लाओ, जिस प्रकार मैं इस विधि को बताऊंगा उस तरीके। सबसे पहले आप लाल या पिंक कलर का कोई भी पेपर ले लें, पेपर ले लें और आप उसके दाएं पैर पर नजर रखिए। जैसे ही उसका दाया पैर पड़ता है और वह आगे निकल जाता तो आपको क्या करना है, एक पेपर को लेना है और आपको क्या करना है, जहां उसने पैर रखा है वहां जाकर मिट्टी पर किसी अच्छी तरीके, उस जगह जमीन पर अच्छे तरीके से, इस तरीके से रगड़े, काफी अच्छे तरीके से रगड़े, इस प्रकार रगड़ते रहे। रगड़ने से क्या होगा, जैसे इसके पे अभी कुछ ना कुछ लग गया है तो इसी तरीके से वो जो मिट्टी जितनी आपको जरूरत है उस कागज पे लग जाएगी, उस पेपर पे लग जाएगी। आपको क्या करना है, एक बार फिर से दाएं पैर जैसे रखते हो उस, वहां जाकर दाएं पैर की जगह उस जमीन पर अच्छे तरीके से आप इस कागज को रगड़ेंगे, अच्छे तरीके से रगड़ेंगे तो मिट्टी जितनी जरूरत है उतनी इस पे लग जाएगी। उसके बाद आपको घर लौट आना है। घर लौटने के बाद आपको सामने घी या तेल का दीपक जलाना है। मैंने पहले भी कहा है, हर विधि के अंदर वशीकरण विधि में दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, आसपास का माहौल अच्छा बनाता है और मन को शांति देता है। और उसके बाद आपको वह मीठी चीज खानी है अपने मुंह में इस विधि को करते समय, जिससे कि आपका मन प्रसन्न होता है। जी हाँ, चाहे तो आप किसी टॉफी को ले लें, कोई भी मीठा, मीठा जरूर आपको अपने मुंह में रखना है। आप उस मीठी चीज को रखेंगे जिससे कि आपको प्रसन्नता मिलती है, आपकी फेवरेट है, आपको वो सबसे ज्यादा मीठा पसंद है, कोई भी टॉफी, गोली,
जो भी आप चॉकलेट वगैरह मीठी चॉकलेट तो आप अपने मुंह में रख सकते हैं, ये जरूर रखें क्योंकि इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और अंदर आंतरिक शांति रहेगी। और आंतरिक शांति होने जरूरी है, खुश रहें, खुश होते हुए आप इस कार्य को करें तभी आप सफल होंगे। तो वह मीठा अपना मुंह में मीठा रखना है कुछ, और उसके बाद आपको उस स्त्री का नाम लिखना है इस पे जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उसका नाम लिख लें, और नाम लिखने के बाद आपको इसे जला देना है इस पेपर को। केवल और केवल बहुत सरल विधि है, आप इस पेपर को जलाएं, जलाते वक्त बस आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र ये जो स्क्रीन पर शो होगा इसी मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार, जब तक ये जले मंत्र का उच्चारण करें, मम कार्य सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा, मम कार्य सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जब तक ये पेपर जलता रहे तब तक आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, और मंत्र का उच्चारण पूर्ण होने के बाद इस राख को आप अपने जाकर घर के बाहर अपने पैरों तले कुचल के आ जाए, वह स्त्री आपके वश में आसानी से हो जाएगी। आपको इस कार्य को लगातार करना है, मतलब जब तक आपको इसका परिणाम नजर नहीं आने लग जाता। यह नहीं है कि इस प्रयोग को करने के बाद वह आपकी गुलाम बन जाएगी। गुलाम बनने का मैं नहीं कहता मित्रों, मैं इतना कहता हूं कि वह जो बातें आपकी नहीं मानती थी, जिस भी बातों में आपके कार्य में वह हामी नहीं भरती थी, मान लीजिए कि वह कभी आपका कहना नहीं मानती थी, किसी भी बात को नहीं मानती थी और आपके कह अनुसार नहीं चलती थी, तो इस कार्य को करने के बाद वह सारी चीजें चमत्कार हो जाएगा अचानक से, और वह सारे कार्य करने लगेगी, आपकी हर बात मानने लगेगी। गुलाम का नहीं कहूंगा लेकिन आपकी हर बात मानेगी। आपको उस समय लगेगा, आप जो भी उसे के लिए बोलेंगे तो उसके लिए लोहे पे लकीर होगी, वह आपकी हर बात मानने लग जाएगी आपके कहे के अनुसार, मतलब आपके हित में हो जाएगी वह। अगर अहित में है तो आपके हित में हो जाएगी, आपके बारे में सोचने लग जाएगी हर कार्य करें। मित्रों यह विधि काफी सरल है, इसे आसानी से करें और तब तक करें जब तक आपको इसका परिणाम नहीं मिलता। कंटिन्यू करते हैं तो ये और भी प्रभावशाली और भी प्रचंड होगी और वास्तव में वे आपके वश में हो जाएगा। मित्रों अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं तो आप यह कार्य हमारे द्वारा भी कॉल करके करवा सकते हैं। इस मंत्र विधि से जुड़ी अन्य जानकारी व सावधानियां जानने के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसके साथ ही याद चाहता हूँ मित्रों, धन्यवाद।